हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और जैसा कि भी आप लोग देख सकते हैं कि टाइम रात के 11:30 बज रहे हैं। थोड़ा सा ये फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको उल्टा दिखाना। तो पढ़ते पढ़ते मुझे एक मैसेज आया कि मन नहीं लग रहा पढ़ने में, क्योंकि बहुत आलस वाला मौसम आ रहा था। मैंने सोचा कि आप लोग के बारे में एक वीडियो बता दिया जाए। तो पर्टिकुलर इस वीडियो में ज़्यादा हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, और मेन बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में। तो बहुत सारे इसमें आया कि मतलब टाइम मैनेज कैसे करें, क्योंकि दिन में पढ़ना सोचते हैं तो रात हो जाती है, रात में पढ़ने का सोचते हैं दिन में आया था। तो यार ये सारी चीज़ों पे फोकस करने से अच्छा है क्या पढ़ना है, टू डू लिस्ट बनाओ उसके अकॉर्डिंग और सीधे लग जाओ पढ़ने में। दिन में पढ़ना, रात में पढ़ना, ये सब चीज़ क्या सोचना है यार, जब मेहनत करनी है, अपने आप को झोंकनी है, लगाना ही है किसी चीज़ में, तो क्या हो इतना हम लोग मतलब फालतू टाइम का पा रहे हैं दिन में पढ़ना। जो टाइम आपको सूटेबल लगता है दिन में तो दिन में, रात में तो रात में, है ना। थोड़ा सा ये फैक्टर कह सकते हैं कि वेदर अभी चेंज हो रहा है, तो काफ़ी मतलब बीमारियों वाला मौसम चल रहा है कहने के अनुसार ये है कि, तो अभी देखते हो हॉस्पिटल वगैरह ज़्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि ये बीमारी वाला टाइम चल रहा है, क्योंकि मार्च में अक्सर लोग बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि मौसम जो है ना ट्रांजिशन पीरियड कराता है। ये जब हमारी ठंड जा रही होती है और गर्मी का मौसम आ रहा होता है, तो इस बीच में काफ़ी लोग बीमार पड़ते हैं, तो ये आलस वाला मौसम भी कह सकते हैं इसको। तो ऐसे मौसम में आप कोशिश करो कि दोपहर में ना ही पढ़ो तो बेहतर होता है, क्योंकि दोपहर टाइम में बहुत ही ज़्यादा मतलब आलस लेवल में एकदम नेक्स्ट लेवल पहुँच जाता है। तो मेरी राय में ये रहेगा कि दोपहर का टाइम को आप अवॉइड करो पढ़ने के लिए, आप मॉर्निंग में और इवनिंग सेशन को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। और अगर आप कोशिश करो तो नाइट स्टडी सबसे बेस्ट है ऐसे मौसम में। मैं खुद कभी आज तक नाइट में पढ़ता नहीं था, मुझे नाइट में मतलब 10-11 बजे के बाद सारा कुछ मतलब सर के ऊपर जाने लगता था, कोई भी चीज़ मेरे को झेपता ही नहीं था अपने को। तो फिर भी मैं इतना स्ट्रिक्ट हुआ अपने प्रति ताकि रात में पढ़ सकूं। बाकी जो मैं टाइम टेबल बताने वाला हूं उसको आप लोग, अभी मैं इस पेपर में बताऊंगा, उसको आप लोग फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने टाइम टेबल पे स्टिक रहो, वो सबसे बेस्ट टाइम टेबल होगा। तो निश्चित चलिए बताते हैं कौन सा टाइम टेबल सही रहेगा। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें। बाकी आपके हाथ में क्या करोगे क्या नहीं, है ना। तो देखते हैं टाइम टेबल, उस पहले बात करते हैं डे टाइम वालों के लिए, ना, जो दिन में पढ़ना पसंद करते हैं। तो उनके लिए मैंने दो टाइम टेबल यहाँ पे बनाया है, केस वन और केस टू। तो पहले केस वन को देखते हैं। केस वन के अकॉर्डिंग है कि आप सुबह 4 बजे उठ जाइए, और 4 बजे जब उठ जाते हैं तो बिल्कुल एकदम 10 से 15 मिनट में आपको जो भी मतलब ब्रश वगैरह करना है करके आप 10 बजे तक पढ़ने बैठ जाइए। तो इस यहाँ पे मैंने 6 आवर्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्चुअल में जो मिलेगा वो 5 आवर्स मिलेगा, है ना। एक्चुअल आवर्स कितने मिलने वाले हैं यहाँ पे, 5 आवर्स मिलेगा, क्योंकि आप बीच बीच में थोड़ा वो 10-5 मिनट का रेस्ट लीजिएगा, क्योंकि एक लंबा चंक है 6-6 घंटे का, तो आप एक बार में नहीं ले पाएंगे, है ना। तो इसलिए इसको 5 आवर्स एक्चुअल मान के चलिए। दिन उसके बाद ब्रेक लीजिएगा 10 से 2। ये इतना लंबा ब्रेक इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि आपको भाई लंबा ब्रेक, लंबा स्टडी के बाद एक लंबे ब्रेक की जरूरत हो, तो आप 10 से 2 बिल्कुल बेचक यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद 2 बजे से 8 बजे तक पढ़ें, ये भी एक लंबा चंक है 6 घंटे का, तो इसमें भी आपको एक्चुअल में 6 घंटा नहीं मिलने वाला, उसमें आपको 5 आवर्स ही मिलेगा, क्योंकि नॉन स्टॉप आप कंटिन्यू 6 आवर्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पढ़ोगे तो आपका आपको मोनोटोनस होने लगेगा, और फिर मतलब सब कुछ सर के ऊपर जाने लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, है ना, यहाँ पे 10-5 मिनट का पावर नैप वगैरह ले ले, या जो भी बीच में आपको सही लगे वो कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे 5 और 5 10 घंटे का स्टडी आपका कंप्लीट हो गया, है ना। और बस इसके बाद फिर आप आपको कुछ नहीं करना है, 8 बजे बाद आपका रेस्ट है, इसमें आपको डिनर करना है ना, इसमें आपको डिनर वगैरह करना है, और इसमें स्लीप लेना है ना, सो जाना है। तो अगर आप 8 बजे डिनर लेके 9-9:30 बजे तक, 9:30 बजे आप बेड पे चलाया जाए ताकि 10 बजे तक आपको नींद आ जाएगा, और फिर 4 बजे आपको उठना भी रहेगा। लेकिन अपन बात कर लेते हैं सेकंड केस में, और हाँ इसमें आप कोई भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग ठीक लगे। तो सेकंड केस की अगर बात करें तो 4 AM से 7 AM है इसमें, इसमें भी आपको 4 बजे सुबह उठ जाना है, 4 बजे उठिएगा, 4 से 7 पढ़ेंगे 3 घंटा, इसमें आपको बिल्कुल कोई भी ब्रेक व्रेक नहीं लेना, ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े तो 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, है ना, अगर जरूरत पड़े तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। 3 घंटे की स्टडी में अभी सुबह के उठोगे और बिल्कुल फ्रेश एनर्जी में आपको ब्रेक लेने की क्या जरूरत पड़ेगी। फिर सेकंड सिटिंग में बात करते हैं, तो ये आपका ब्रेक टाइम, इसमें 7 से 9 आपको ब्रेक लेना है, जिसमें 2 घंटे का ब्रेक होने वाला है। इसमें आप अपना एक्सरसाइज करेंगे, योगा, जो भी आपका डेली रूटीन में शामिल होगा वो चीज़ कर सकते हैं, और ब्रेकफास्ट भी इसमें आपको कर लेना है। देन ये 2 घंटे का काफ़ी लंबा ब्रेक हो जाता है, ये कोई शॉर्ट ब्रेक नहीं है। एंड देन नेक्स्ट थर्ड नंबर की बात करें तो इसमें 9 से 12 फिर आपको स्टडी करना है 3 घंटे का, इसमें भी आप अमूमन ज़्यादा नहीं 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपके अकॉर्डिंग, है ना, मन करे तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 3-3 घंटे वाले में क्या ही ब्रेक लीजिएगा, अगर लगे तो ले सकते हो आप। फिर नेक्स्ट है 12 बजे से 3 बजे तक आपको ब्रेक लेना है, इसमें आपको लंच करना है, लंच के लिए जा सकते हैं आप इसमें, और नैप वगैरह भी ले सकते हैं अगर आपको लगे कि हाँ रात में नींद पूरा नहीं हुआ है, ज़रूरत है तो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है इसकी भी, आप रेस्ट करके फ़ोन वगैरह चला सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। फिर उसके बाद 3 से 6 आपको पढ़ना है, है ना, इसलिए भी 3 घंटे का टाइम है, इसमें भी 10 मिनट का ब्रेक अकॉर्डिंग टू योर टेम्परामेंट, आपको जैसा मन लगे वैसा ले सकते हैं। फिर 6 से 7 बजे तक टी ब्रेक है, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने 1 घंटे का टी ब्रेक दिया है, इसमें आप मोबाइल सर्फिंग कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, या फिर थोड़ा सा घर मोहल्ले आसपास पार्क वगैरह या गार्डन वगैरह में टहल सकते हैं, ना, जो भी आपको ठीक लगे। फिर इसमें 7 बजे से 9 बजे तक सॉरी फॉर दिस, फिर 7 बजे से 9 बजे तक आपको 2 घंटे का एक बेहतरीन सत्संग निकालना है, इसमें भी आपको स्टडी करनी है।
दिन उसके बाद 9 बजे आपको डिनर एंड स्लीप के लिए चला जाना है, और 10 बजे किसी भी हाल में आपको बेड पे चला ही जाना है। और बेड पे जाने के बाद याद रखें आपको फ़ोन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, है ना, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली आपको ये हिदायत देना है कि फ़ोन आपको यूज़ नहीं करना है। क्योंकि अगर आप बेड पे जाइएगा फ़ोन यूज़ करिएगा तो कब 10 से 11 बज जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और फिर यहाँ पे आपको सुबह मॉर्निंग में उठने में दिक्कत होगी। तो इस चीज़ का खास ख्याल कर। हाँ, मैं डिटेल में थोड़ा बात करना ये है कि प्रेफरेंसेस इसमें क्या क्या है आपका, है ना। तो इसमें कि आप मॉर्निंग में जो है सो कोई भी रिवीजन वाला सेशन कर सकते हैं, इसमें रिवीजन वगैरह, रिवीजन या लर्निंग, है ना, लर्निंग वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपको याद वगैरह काम करना हो या भी रिवीजन करना हो तो इस सेशन में कर सकते हैं। और देन इसके बाद इस सेशन में आपको कोई फ्रेश स्पीच पढ़ना है ना, फ्रेश कोई वीडियो लेक्चर देखना है या कोई चैप्टर पढ़ना है वो कर सकते हैं, और फिर इस वाले में भी आपको वही करना है। और आपका जो ये है इसमें भी आप जो है सो इस वाले में रिवीजन रख दें, ये वाले पार्ट में रिवीजन कर सकते हैं या इस वाले पार्ट में, जो भी आपको ठीक लगे इन दोनों में से आप सफर कर सकते हैं ना। फिर उसके बाद ये हुआ है। अब जो लोग नाइट वाले हैं बहुत ध्यान से सुने, नाइट वालों के लिए बस एक बनाया हूँ, एक ही है, काफ़ी है। इसमें आपको 10 बजे रात से शुरू करना है, हाँ, लंच वंच करके सब कुछ करके अपना टहल वहल के 10 बजे अपना रूम में पैक हो जाओ, फिर उसके बाद 10 से 5, बिल्कुल सही सुन रहे हो, 10 से 5, 7 घंटा। तो इसमें एक्चुअल में आपको 6 hours मिलने वाला है, हो सकता है 1-1.5 घंटा आप इसमें नैप लीजिएगा या इधर उधर चाय कॉफ़ी में टाइम वेस्ट कीजिएगा तो उसमें चला जाएगा। फिर उसके बाद 5 से 11 6 घंटे का स्लीप लेना है, चाय होता है ना, हाँ ठीक, चाय होता है, 6 घंटे का स्लीप लेना है। फिर उसके बाद ये ब्रेक, सो के उठोगे आपका बहुत सारा काम होगा, लंच वंच ये वो इधर उधर, ब्रेक ले लो आप 2 घंटे का, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे का ब्रेक ले लो। फिर उसके बाद 1 से 6 5 घंटे का बिल्कुल पढ़ाई आपको करनी है। ये 5 घंटे में आपको 4 घंटा 4.5 घंटा में 4.5 hours मिल सकता है। यहाँ पे आपको कितना मिला, 6 hours ये 4 point ये, हाँ मान लो 10 hours अप्रॉक्स मिल जाएगा, क्योंकि ये 5 घंटा माइनस कर दो ये और कोई और वजह से ख़त्म कर दिए तुम, है ना। तो ये सर, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना है, और इसमें कोई वो नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपको जो भी ठीक लगे। बाकी ये अभी के सिचुएशन है ना, ये मतलब ये टाइम टेबल आपको हमेशा, ये वाला तो आप हमेशा फॉलो कर सकते हो, इसको आप हमेशा ही फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसको जो है हमेशा फॉलो कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। और ये भी ये दिन का और ये रात का, ये मेन जो है आपका मैंने गर्मी के हिसाब से बनाया है कि जो अभी मौसम है ना आलस वाला सुस्तीपन वाला, तो उस मौसम के लिए ये कारगर है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो होप यू गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए, बहुत कम सब्सक्राइबर है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा एंड बाय बाय।